बेअसर हो रहा है चीनी बायकॉट। इस चीनी कंपनी ने भारत में एक दिन में बेच दिए 1.30 लाख फोन। चीनी प्रोडक्ट्स बायकॉट का असर कम हो रहा है, ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब चीनी स्मार्टफोन बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। कंपनी का दावा तो इसी ओर इशारा करता है। चीनी स्मार्टफोन जियोमी का सब ब्रांड पोको है। 15 सितंबर को पोको M2 की पहली सेल थी। कंपनी ने दावा किया है कि एक दिन में 1.30 लाख स्मार्टफोन बिक गए हैं। नोएडा हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने दी धमकी, मांगे न मानी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। नोएडा में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति न होते देख इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन पाकिस्तान से एक साथ जंग कभी नहीं जीत पाएगा भारत। भारत के कई रक्षा विश्लेषक और सैन्य अधिकारी ये आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अगर चीन के साथ भारत की जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान भी उसके साथ आ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि भारत को चीन पाकिस्तान के साथ साथ लड़ना पड़े। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि इसलिए भारत की सेना को और मजबूत होने की जरूरत है। पत्नी ने वाइपर से पीट पीट कर पति को किया अधमरा। राजधानी दिल्ली में एक शख्स को अपनी पत्नी को ज्यादा खर्च पर टोकना भारी पड़ गया। पत्नी ने वाइपर से पीट पीट कर पति को ही अधमरा कर दिया। पीड़ित पति ने किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहने वाले एक शख्स ने घर में पत्नी को ज्यादा खर्च करने पर टोक दिया और उसे कम खर्च करने की नसीहत दी। पत्नी को यह बात ना गवारा गुजरी और वो गुस्से से लाल हो गई। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने पति को कमरे में दौड़ा दौड़ा कर वाइपर से पीट डाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।